नमस्कार साथियों, अगर आप पानीपत से हैं और आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवा के अपना बेरोज़गारी भत्ते का फार्म जमा करवाने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों उसमें एक बात का ध्यान रखना, ये स्पेशल नोटिस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लगा हुआ है कि आपका जो बैंक का खाता है वो पानीपत की सिलेक्टेड जो ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक की, उनमें आपका खाता होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप दूसरा कोई खाता देते हैं तो उसको अमान्य करेंगे, मतलब आपका जो फार्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है बेरोज़गारी भत्ते के पात्र प्रार्थियों का बैंक का खाता है पंजाब नेशनल बैंक पानीपत के निम्न बैंक शाखाओं में ही खुलवा कर देवें। जो शाखाएँ हैं दोस्तों 6 ब्रांच है पानीपत की, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये जीटी रोड पे जो अपना बैंक है उसमें भी आपका खाता चलेगा, अमर भवन चौक पे जो ब्रांच है वहाँ का, सब्जी मंडी, असंध रोड, तहसील कैंप और जाटल रोड, इन 6 की 6 ब्रांच में किसी में भी अगर आपका अकाउंट है तो वो मान्य किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे बैंक अकाउंट का वहाँ पे आप जो पासबुक है उसको सबमिट कराएंगे तो उसको वो अमान्य करेंगे, इन्हीं बैंक की इन्हीं ब्रांच का आपका खाता वहाँ पर मान्य होगा। तो दोस्तों अगर आप बेरोज़गारी भत्ते का फार्म भरवाना चाहते हैं और ये 27 नवंबर इस फार्म को भरने की लास्ट डेट है, इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर करें और मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये जो फार्म है जो अपने बेरोज़गार भाई हैं, बेरोज़गार होते हैं जो मतलब एजुकेशन करने के बाद वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। और इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का जो इसमें अकाउंट मांगा हुआ है वो ब्रांच जो इसमें बोली हुई थी उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि अपने दूसरे साथियों को पता चले और ज़्यादा उनके चक्कर ना कटे, वो जल्दी से जल्दी उनका काम हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।